हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब। फटाफट से रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका। और आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट नंबर 4। और इस पार्ट में आज हम स्टडी करेंगे सर्कल की टेंजेंट के बारे में। वही टेंजेंट जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद है ना? उस चैप्टर में जब हम टेंजेंट की बात की थी तो हमें मालूम है टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट से टच होके निकलती है। और उसी चैप्टर में हमने कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी, 10.1 एंड 10.2। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएं कि 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। याद है ना, 10.1 थ्योरम मतलब कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और 10.2 थ्योरम मतलब कि अगर किसी भी सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन पॉइंट से, एक ही कॉमन पॉइंट से। तो उस पॉइंट से अगर टेंजेंट्स जो हो रही है तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? टेंजेंट्स की लेंथ होगी इक्वल। ये थी हमारी 10.2 थ्योरम। इस चैप्टर में अब हम हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर चुके हैं। 11.1 एक्सरसाइज में हमने स्टडी किया ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग सिमिलर ट्रायंगल। स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमने सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल की टेंजेंट के बारे में। तो अगर आप मेरे पुराने सेशंस इस चैप्टर के रेफर करना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, ओके। और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल स्लेडो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो करेंगे सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो करें स्टार्ट आज का सेशन। जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो जाओ। रुचिका मैम की इंस्ट्रक्शंस भी रेडी हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप सारी कंस्ट्रक्शन करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, वहीं पे मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है? तो आज हम सीधा स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इस कंस्ट्रक्शन की। ये कंस्ट्रक्शन जो है इस चैप्टर में कंसीडर होता है 11.3, ठीक है? याद है 11.12 में हमने क्या डिस्कस किया? 11.1 में हमने डिस्कस किया कि किसी भी लाइन को अगर हमें गिवन रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, है ना? 11.2 में हमने डिस्कस किया सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना, और 11.3 में हम बात करेंगे कि किसी भी सर्कल की टेंजेंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। और हमें तो मालूम है अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होता है तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, मालूम है ना? पढ़ा हुआ है हमने पिछले चैप्टर में, उस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, और यही दोनों टेंजेंट्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है? तो रेडी हैं आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स एंड नोटबुक के साथ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो किसी भी कितनी भी रेडियस हो, आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, ठीक है? अपने कंपास के साथ सेट हो जाओ और प्रॉपर रेडियस लो, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, इस तरह से एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करो। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको एक पॉइंट लेना है कहीं पे भी आउटसाइड द सर्कल। से मैंने पॉइंट लिया यहां पर, ठीक है? इस सर्कल का सेंटर पॉइंट भी शो कर देते हैं जो कहीं यहां होगा, ठीक है? तो आप तो कंपास से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको तो मालूम है जहां कंपास का पिन पॉइंट होता है वही सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी शो हो रहा है और बाहर एक हमने पॉइंट भी ले लिया, एक्सटर्नली हमने एक पॉइंट भी ले लिया। सर्कल के सेंटर पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं ओ के साथ, और ये जो बाहर पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं पॉइंट पी। अब इस पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, लेकिन इस बार रफली नहीं, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले
सबसे पहले P एंड O को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाइन ले ली, आप स्केल से ज्वाइन करो। P पॉइंट को ज्वाइन करना है O पॉइंट से, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नई लाइन सेगमेंट आई है, करना क्या है, इस लाइन को हमें डिवाइड करना है इक्वली। मालूम है आपको, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किसी भी लाइन को हम इक्वली डिवाइड कैसे कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको मालूम है हमें क्या करना है, जो लाइन है PO, अपने कंपास को किसी एक पॉइंट पे रखना है, चाहे P पे रखो चाहे O पे रखो, रखना तो दोनों ही है, पहले किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, और कंपास को इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा ओपन करो। ओपन करने के बाद P पॉइंट पे रखकर एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, फिर O पॉइंट पे रखकर एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे। ये वही हमारे जो प्रोसीजर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। अब क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला ऊपर और नीचे, इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आप ये ज्वाइन करो फटाफट से, इन डॉट्स आप ज्वाइन कर सकते हो, स्केल से ज्वाइन करना, स्ट्रेट लाइन आपकी ज्वाइन होनी चाहिए। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस PO लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं M, ठीक है। इस M पॉइंट को ध्यान से देखो। अब क्या करना है, अपनी कंपास लो फिर से, M पॉइंट पे अपनी कंपास का पिन पॉइंट रखो और ओपन करो। कितना ओपन करेंगे, या तो आप M पे रखकर P तक ओपन कर सकते हो, या M पे ही रखना है सेम, या फिर आप O तक ओपन कर सकते हो, चेक करना, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद M को सेंटर लेकर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सर्कल P से होते हुए O से भी गुजरेगा। तो हमारा जो सर्कल है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आप भी ड्रॉ करो, मैं भी यहां पर ड्रॉ कर देती हूँ, कंस्ट्रक्ट करो आप यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सर्कल होगा ये M पॉइंट से ड्रॉ होगा, और इस तरह से होगा कि ये टच करेगा O को भी और P को भी, ठीक है। प्रॉपर सर्कल बनाओ आप अपनी कंपास के साथ, ठीक है। तो आपका जो सर्कल है कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑलराइट, अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप चेक करेंगे कि ये जो गिवन सर्कल था, यहाँ पर मेरा व्हाइट कलर का सर्कल है, ये जो गिवन सर्कल है और जो भी नया सर्कल बना है, मतलब ब्लू कलर का सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देख सकते हैं कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट हमारा इधर और एक पॉइंट हमारा इधर, दिख रहा है आपको। अब हमें मालूम है कि जो व्हाइट वाला सर्कल है ये गिवन सर्कल था, और ये जो पॉइंट पी था बाहर था, इस पॉइंट पी से ही दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो बस करना क्या है, हमें दो पॉइंट्स, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल चुके हैं, और ये पी हमारा जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स के नाम मैं रख देती हूँ ए एंड बी। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, अब हमें ज्वाइन करना है पी को ए के साथ और पी को बी के साथ। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ लाइन सेगमेंट, आप ले लो स्केल, पी को ज्वाइन करो ए के साथ और एक्सटेंड कर दो आगे। हमारी पहली टेंजेंट तैयार हो चुकी है। अब सेम हमें क्या करना है, एक और टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पी पॉइंट पे रखकर बी से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है। और हमारी यहाँ पर ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हो चुकी है, और हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, हमें लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो रेडी हैं आप, तो फटाफट से लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ गाइड कर रही हूँ कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किसके बाद कौन सा स्टेप जो है कंस्ट्रक्ट किया है। तो बच्चा पार्टी बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था सर्कल, कंस्ट्रक्ट किया था सर्कल। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल,
कितना बड़ा था ये सर्कल, हमने अपने सुटेबल रेडियस के साथ ही ड्रॉ किया था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था, तो हम लिख सकते हैं ड्रॉ अ सर्कल विथ सुटेबल रेडियस। ओके, तो सर्कल हमारा सुटेबल रेडियस के साथ ड्रॉ हो गया था फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सेंटर पॉइंट शो किया था और बाहर एक पॉइंट लिया था जिसका नाम क्या लिया था, पी, है ना। हम लिखेंगे मार्क सेंटर पॉइंट एस एस ओ एंड टेक अ पॉइंट, उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, पी, और कहां लिया हमने, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। दोनों पॉइंट्स हमारे पास रेडी हो चुके थे। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। तो हमने दोनों पॉइंट्स को क्या किया था, जॉइन जॉइन ओ एंड पी, और दोनों को जॉइन करने के बाद, दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद ये जो लाइन बनी थी, मतलब कि ओपी या पीओ, इस लाइन को डिवाइड किया था हमने इक्वली। तो उस लाइन को जो डिवाइड किया था इक्वली, हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया था। तो हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट ओपी परपेंडिकुलरली and get a center, center क्या, center point, और उस center point का नाम क्या रखा था हमने, M, get a center point as M। फिर क्या किया था बताओ बच्चा वे पार्टी, कमेंट सेक्शन में लिखो। ये जो M पॉइंट मिला था, इस M पॉइंट को हमने सेंटर पॉइंट मान के एक सर्कल ड्रॉ किया था, और उस सर्कल की रेडियस क्या थी, उस सर्कल की रेडियस थी M से लेकर या P या फिर M से लेकर या O। तो हम यहां लिख सकते हैं टेक M as सेंटर पॉइंट एंड ओपन कंपस विद रेडियस, कितनी लिखो कमेंट सेक्शन में, विद रेडियस हम यहां लिख सकते हैं ओ एम और ओ पी एंड ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कल था उसने पीछे वाले सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो हम लिख सकते हैं गेट द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल्स, और ये जो दोनों पॉइंट्स हमें मिले थे उन दोनों पॉइंट्स के क्या नाम रखे थे, हमने रखे थे ए एंड बी, और हम यहां लिख सकते हैं एंड मार्क देम एस पॉइंट्स, क्या नाम था, ए एंड बी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जॉइन किया पी को ए के साथ, पी ए एंड पी बी, और यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट थी। पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। Got it everyone? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज काफी इजी है। तो हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन है रेडी हो चुकी है, टेंजेंट्स के नाम यहाँ पर है पी ए एंड पी बी, लेकिन वाकई में हमें एक बार चेक तो करना चाहिए कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं या नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जस्टिफिकेशन की, हमें ये जस्टिफाई भी करना होगा कि पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स कैसे हुए, सोच सकते हो। तो जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस फिगर को यहां से पहले पिक कर लेती हूँ, ठीक है, नीचे लेके चलते हैं इसे और वहां पर इसे एक क्वेश्चन की तरह प्रूव करते हैं। तो चलो नीचे, ठीक है, आ जाओ जी नीचे,
आप भी अगर आपका डिफरेंट पेज आ चुका है तो आप पीछे पेज पे जाके पलट के इसके जस्टिफिकेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फिगर आ चुकी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे फिगर रेडी है और स्टार्ट करते हैं हम जस्टिफिकेशन। ध्यान से समझना, और इसकी जस्टिफिकेशन ना काफी इजी है। वैसे तो पीछे भी जितनी भी जस्टिफिकेशन पढ़ी है कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थी, टेंथ के ही कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए थे और जस्टिफाई किया क्वेश्चन को, सिंपली हमने क्या किया, प्रूव किया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। इसके जस्टिफिकेशन के लिए हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन और करनी होगी। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो टेंजेंट्स को ड्रॉ करने का पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन इसके जस्टिफिकेशन के लिए मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है कंस्ट्रक्शन करनी है। बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, ये जो पॉइंट ए है इसको ज्वाइन करना है ओ के साथ, ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है इसको भी ज्वाइन करना है ओ के साथ। आप भी ज्वाइन कर लो, और ये हम लिख भी देते हैं, ज्वाइन क्या ओ ए एंड ओ बी। मुझे बता सकते हो ये ओ ए एंड ओ बी है क्या? देखा जाए तो ये व्हाइट वाले सर्कल के लिए ए एंड बी पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है, ओ पॉइंट सेंटर है, तो ओ ए एंड ओ बी क्या होंगे, वो होंगे रेडियस। इसका मतलब हमने रेडियस को शो किया है। ठीक है, अब हम जस्टिफिकेशन में प्रूफ दिखाते हैं। अगर हम बात करें इस ब्लू वाले सर्कल की, ठीक है, इस ब्लू वाले सर्कल में मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये पीओ क्या है। ध्यान से देखो, ब्लू वाले सर्कल में पीओ क्या है, देखो चेक करो। इन सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट एम है, रेडियस इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा बना है, बड़ा है छोटा, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, इस वाले सर्कल में हम बोल सकते हैं पीओ इज द डायमीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्लास नाइन में। मुझे ये बताओ किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर होता है तो वो डायमीटर सर्कल की बाउंड्री पे कुछ एंगल बनाता है। मालूम है वो एंगल कितना बनाता है, क्लास नाइन में आपने पढ़ा हुआ है, वो एंगल बनाता है 90 डिग्री, और उस एंगल को बोलते हैं एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। कुछ याद आया, सेमी सर्कल बोलो या डायमीटर बोलो, डायमीटर 90 डिग्री एंगल बनाता है बाउंड्री पे। तो आप अगर यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ब्लू लाइन से मैं दिखा रही हूँ, पीओ डायमीटर है, और ये पीओ डायमीटर ने क्या किया, ए पॉइंट पे एंगल बनाया, और ये जो ए पॉइंट पे एंगल बनाया ये हमारे ब्लू वाले सर्कल की बाउंड्री ही है ए, मतलब ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी भी क्या हुआ 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल के हिसाब से ए एंड बी पे बना 90 डिग्री एंगल दोनों पॉइंट्स पे, और देखा जाए तो हमारा ए ओ एंड बी ओ तो रेडियस है, मतलब रेडियस पे 90 डिग्री बन रहा है, और रेडियस पे 90 डिग्री कब बनता है, जब उसके साथ टच होती है टेंजेंट। तो डेफिनेटली हमारी पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी ओ इज द डायमीटर। ऑल्सो वी नो दैट डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो डायमीटर है ऊपर भी ए पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा, नीचे बी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी। सो दिस इंप्लाइज दैट पी ए एंड पी बी आर व्हाट, लिखो कमेंट सेक्शन में, आर टेंजेंट्स। यही तो हमें प्रूव करना है कि पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स क्यों है। तो यहां पर हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस जस्टिफाइड। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहां पर हमारा ये जो 11.3 की स्टेटमेंट बोलो, ये हमने कंस्ट्रक्ट की,
कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे और यहाँ पर इसको जस्टिफाई भी कर दिया। एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से लिखकर बताओ कि जस्टिफिकेशन के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, दो कॉन्सेप्ट की बात हुई है, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में। पहला कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया वो हमने किया एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर या एंगल इन अ सेमी सर्कल, और साथ के साथ रिलेट किया क्लास 10 के चैप्टर 10 की 10.1 थ्योरम, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो जहां पर हमें रेडियस पे 90 डिग्री मिला वहां पर हमने डिक्लेयर कर दी कि टेंजेंट्स हमारी हैं। कौन सी टेंजेंट्स? फिगर के अकॉर्डिंगली ये हमारी टेंजेंट्स, एक बार फिगर देखो, फिगर के अकॉर्डिंगली ये हमारी टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी। तो यहाँ पर हमारा जस्टिफिकेशन भी हो चुका है और अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो चुकी है। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो कि इस पॉइंट पे हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व कर दूंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ऐसे ही सिमिलर कंस्ट्रक्शन को हम ढूंढते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में इन द एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेटमेंट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हमें जो सर्कल बनाना है इसकी रेडियस हमें गिवन है। पिछले वाला जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी वहां पर रेंडमली हमने कोई भी रेडियस ली थी, लेकिन इस बार हमें रेडियस गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। इनकी लेंथ भी आपने मेजर करनी है और बताना है कि ये लेंथ कितनी है। ठीक है, तो रेडियो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस बार रेंडमली कोई भी सर्कल नहीं होगा, ये सर्कल हमारा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो मेरा सर्कल रेडी हो चुका है, आई होप आपका भी रेडी हो चुका होगा, नहीं हुआ तो फटाफट से रेडी कर लो। आपकी कंपास एकदम टाइट होनी चाहिए, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, पेंसिल का पिन जो आगे की टिप है और जो कंपास का जो आगे का पिन पॉइंट है वो लेवल पे भी होना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे लेवल पे नहीं रखते हैं और कंस्ट्रक्शन की एक्यूरेसी हो जाती है गड़बड़। ठीक है, तो आपका जो सर्कल है कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा, इसका सेंटर पॉइंट जहां पर आपको पिन पॉइंट की मार्किंग दिखाई दे रही है तो वहां पर सेंटर पॉइंट मार्क कर लो। अब इस सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर, रेंडमली कहीं पे भी दूर नहीं लेना, 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो। से मेरा पॉइंट तो यहाँ पर है, आपका पॉइंट भी चेक करो कहाँ पर है, और इस पॉइंट का नाम बाहर हम ले लेते हैं पॉइंट पी, अंदर जो सेंटर पॉइंट है उसका हम ले लेते हैं ओ। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, रेडियस यहाँ पे मेंशन थी, बाहर पॉइंट कितनी दूर है ये मेंशन था, उसके अलावा सब कुछ सेम है। तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक लाइन सेगमेंट मैं ले लेती हूँ, आप स्केल लो और स्केल से ज्वाइन करो पी एंड ओ को। ठीक है, अब हमारा ये ज्वाइन हो चुका है। याद है पीछे स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, ज्वाइन करने के बाद हमने इस लाइन को बाइसेक्ट किया था परपेंडिकुलरली। कैसे बाइसेक्ट करते हैं आपको मालूम है, आधे से ज्यादा कंपास खोलो, किसके आधे से ज्यादा, ये जो लाइन है 10 सेंटीमीटर मेंशन भी कर देते हैं, ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है ऊपर लिख देते हैं ये हमारी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करो बाइसेक्ट, आधे से ज्यादा जो है कंपास को खोलो, पी पॉइंट पे रखकर एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे, फिर सेम रेडियस के साथ कंपास को ओ पॉइंट पे रखकर जो पिछले वाले आर्क्स हैं उनको करेंगे हम इंटरसेक्ट, और फिर ज्वाइन करो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो पी ओ को कहीं ना कहीं कट करेगी लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या नाम रखा था पीछे, सेम नाम ही रखते हैं एम। हो गया इतना, करो फटाफट से, एक्यूरेसी एकदम बढ़िया वाली होनी चाहिए। ओके, अब एम पॉइंट को सेंटर में रखकर, मतलब कि कंपास का पिन पॉइंट एम पॉइंट पे रखो, कंपास का पिन पॉइंट, और या तो पी तक खोलो या ओ तक खोलो, सेम ही रहेगा, और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, करो आप, यहाँ पे मैं भी करती हूँ, यहाँ पे मैंने सर्कल चूज किया। ठीक है, अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ इस तरह से कि ये टच करे ओ को भी और पी को भी। ठीक है, ऊपर से भी बढ़ाना पड़ेगा परफेक्ट शेप के लिए, लाइक दिस।
ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सर्कल हो गया रेडी, आई होप आपका भी हो गया होगा। और अब ये ब्लू वाला सर्कल और ये व्हाइट वाला सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स पे दिख रहे हैं आपको? दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर बी पॉइंट, लेबल कर देते हैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब क्या करना है, अब हम ज्वाइन करेंगे पी को ए के साथ एंड पी को बी के साथ और हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी एकदम से रेडी। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लाइन सेगमेंट, आप लो स्केल और पी को ज्वाइन करो ए के साथ, कर दो आगे एक्सटेंड, ठीक है। ओके, और एक और लाइन लेनी पड़ेगी ताकि हम पी को ज्वाइन कर पाए बी के साथ भी, और एक्सटेंड भी करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरी दोनों टेंजेंट्स जो हैं कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। अब बारी आती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी बिल्कुल सेम है, लेकिन दो पॉइंट्स में डिफरेंस रहेगा। आप सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर, और वहां क्या लिखा था, ड्रॉ अ सर्कल विद सुटेबल रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस गिवन नहीं थी, यहां पर गिवन है। वहां पर सेकंड पॉइंट लिखा था टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, यहां पर हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच दैट पी ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को आप मेरी तरफ से एक डिक्टेशन भी ले सकते हो, पॉज कर करके सुन के आप लिख भी सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच दैट पी ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम, जितना भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, और अगर जस्टिफिकेशन की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन मैं आप पे छोड़ती हूँ, कंप्लीट करना आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, अगर डाउट है तो पीछे जाके आप देख सकते हो, जस्टिफिकेशन आप वैसे की वैसे कॉपी कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन में कंस्ट्रक्शन करनी है, रेडियस को कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्ट करके आप शो कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी है, लास्ट में बोला गया है, देखो ध्यान से, मेजर देयर लेंथ, मेजर देयर लेंथ, ये जो लेंथ है ना पी ए एंड पी बी, इनको मेजर भी करना है। स्केल से आप मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद मेंशन करेंगे, लेकिन एक और चीज, जस्टिफिकेशन भी चाहिए। आपने ये जो स्केल से मेजर किया है, क्या ये वाकई में ही उतना ही आंसर है जो आना चाहिए? क्या आपकी कंस्ट्रक्शन एक्यूरेट है या नहीं? कैसे चेक करोगे? वो हम चेक करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप सोचेंगे पाइथागोरस थ्योरम कैसे, मैं आपको शो करती हूँ। तो जस्टिफिकेशन में थोड़ा और आप एक्स्ट्रा करेंगे, करना क्या है, हमें अपनी जो टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिले ए एंड बी, तो ए को ज्वाइन करना है ओ के साथ, ये तो आप जस्टिफिकेशन में करोगे ही करोगे, और बी को भी ज्वाइन करेंगे ओ के साथ। सेमी सर्कल की वजह से 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन तो है ही, तो हमें यहाँ पे मिलेंगी दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक है पी ए ओ और दूसरी पी बी ओ। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं पी ए ओ, यहां पर अगर मैं बात करूं पाइथागोरस थ्योरम की, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हमारी हो जाती है हाइपोटेन्यूज। तो एक बार चेक करें कितना होगा, हमें तो फाइंड करनी है पी ए, तो पी ए हमारी हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 10 स्क्वायर माइनस ओ ए, ओ ए क्या है, ये हमारे व्हाइट वाले सर्कल की रेडियस, वो तो हमें मालूम है, वो है 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 का स्क्वायर रूट। कितना होता है 100 माइनस 36, ये होता है 64, मतलब कि पी ए 8 सेंटीमीटर। और चेक करो क्या स्केल भी आपको 8 सेंटीमीटर दिखा रहा है, दिखा रहा है, तो मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन एकदम एक्यूरेट है। तो आप मेजर करके भी दिखाएंगे और जस्टिफाई भी करेंगे बाय यूजिंग पीटीएच, पीटीएच मतलब पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कई बच्चे यूज करते हैं पीटीएच, मैंने आप लोगों से ही सीखा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पी ए 8 सेंटीमीटर हमने जस्टिफाई भी कर दिया बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, और अगर पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी भी 8 सेंटीमीटर होगा, पूछो क्यों,
अरे पूछ क्यों रहे हो, बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ कि पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? बाय थ्योरम 10.2 मतलब कि किसी भी सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो एक बार आप स्केल से मेजर करो, दोनों के दोनों आने चाहिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो बाकी का काम बच गया है ये आप करेंगे कंप्लीट एकदम से, अच्छे से खुद से प्रैक्टिस एकदम अच्छे वाली होनी चाहिए, क्योंकि जितना हैंड जोन होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी गलतियां तो होंगी, लेकिन गलतियों से आप सीखोगे और उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। गलतियां आ रही हैं, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन, अपनी क्वेरी ड्रॉप करो, वहीं पे मैं आंसर करूंगी। ठीक है, तो 11.2 का एक क्वेश्चन तो हुआ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, देखते हैं स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस बार 4 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सर्कल है ना हमारा 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, और वो जो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है बाहर से आएंगी डेफिनेटली, लेकिन ये जो बाहर से आ रही है, ये बाहर वाला जो पॉइंट है वो कहाँ है? वो एक दूसरे सर्कल के ऊपर है, और ये जो दूसरे वाला सर्कल है इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के साथ क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब तो मालूम है ना आपको, कॉन्सेंट्रिक मतलब उन दोनों सर्कल्स के सेम सेंटर पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही सिंपल है, एक सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट है, उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बाहर से पॉइंट होगा, बाहर से पॉइंट कहीं पे भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वही रहेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी रेडी हो जाओ अपनी कंपास के साथ एकदम टाइट करके, पेंसिल शार्प करके, और सबसे पहले सर्कल को आप कंस्ट्रक्ट करो, और इस सर्कल की जो रेडियस है ये आप ले लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर सर्कल हो गया रेडी। मैं अब इसी सर्कल को करती हूँ कॉपी, और फिर करूंगी पेस्ट और बढ़ा दूंगी उसकी रेडियस। ठीक है, ओके जी, तब तक आप भी ड्रॉ करो। ये हुआ मेरा कॉपी, और करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पेस्ट। अब क्योंकि सर्कल की रेडियस सेम है, मुझे क्या करना है, बढ़ाना है और करना है इसको 6 सेंटीमीटर, और मैं बना देती हूँ दोनों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपके भी कुछ इस तरह से हैं, एक सर्कल छोटे वाला, दूसरा सर्कल बड़े वाला, मैंने तो रेंडमली कैसे भी लिया, लेकिन आपको प्रॉपर कंपास की रेडियस के साथ आगे बढ़ना है। पहले आपने लेना है 4 सेंटीमीटर, एक पॉइंट लो, 4 सेंटीमीटर पे सर्कल ड्रॉ करो, उसी पॉइंट पे दोबारा अपने कंपास को रखो, और इस बार खोलनी है 6 सेंटीमीटर और अपना नया सर्कल रेडी कर देना है। तो आपके दो सर्कल इस तरह से रेडी हो जाएंगे, और दोनों सर्कल्स का क्या है, कॉमन सेंटर पॉइंट रहेगा, और कॉमन सेंटर पॉइंट को तो हम ओ ही ले लेंगे। ठीक है, और इस ओ पॉइंट से जो सर्कल अंदर बना है इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, और वो दोनों टेंजेंट्स बाहर किसी पॉइंट से आएंगे, लेकिन कंडीशन है कि वो छोटे वाले सर्कल के लिए बाहर होगा पॉइंट, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए बाउंड्री पे होगा। तो कहीं पे भी ले लो, यहां पर बाउंड्री में हमने ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, अब हमें जॉइन करना है पी को ए के साथ। अपना स्केल उठाओ, पी को ओ के साथ, अपना स्केल उठाओ और पी को ओ के साथ जॉइन कर दो। ठीक है, कर दिया। करने के बाद पी ओ ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करो परपेंडिकुलरली, आधे से ज्यादा खोलो कंपास, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, पी पॉइंट पे रखकर फिर ओ पॉइंट पे रखकर इस तरह से, और ज्वाइन करो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें नए वाले सर्कल का मिल जाए सेंटर पॉइंट, जो कि हम लेते हैं एम। तो मिल गया एम पॉइंट, एम पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और इस सर्कल की रेडियस एम से पी लो या एम से ओ लो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो मेरा ये सर्कल आया, मैं करती हूं इसको एडजस्ट। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर सर्कल मेरा
और आपका तो कंपास के साथ बन ही रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ब्लू वाला सर्कल रेडी हो चुका है। अब आपको ध्यान से देखना है ये ब्लू वाला सर्कल और अंदर वाला व्हाइट सर्कल, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा। ये दोनों पॉइंट्स, पहला पॉइंट हमारा ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बी, ठीक है। मैं लेबलिंग कर देती हूँ ए एंड बी। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, अब हमें ज्वाइन करना है, पिंक कलर से ही ज्वाइन करती हूँ। मेरा आ गया स्केल पी से ए तक का और उसके बाद एक्सटेंशन भी, ठीक है। तो ये मेरी होगी पहली टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट के लिए भी मैं लेती हूँ अपना स्केल और पी को ज्वाइन कर देती हूँ बी के साथ और एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों टेंजेंट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। पी पॉइंट हमारा बाहर वाला पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, बाहर वाले सर्कल के ऊपर है। पी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ टेंजेंट जा रही है और बी पॉइंट की तरफ भी टेंजेंट जा रही है। ए एंड बी पॉइंट्स दोनों अंदर वाले सर्कल के लिए, और हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। अब बात आती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग के एक दो पॉइंट डिफरेंट रहेंगे, बाकी सेम रहेंगे। तो बताओ बच्चा पार्टी, पहला पॉइंट क्या होगा? थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं यहाँ पर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक, ब्रीफ में लिखना होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं। ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ रेडियाई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस क्या होता है, रेडियाई। अंदर वाला लिया हमने 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, टेक अ पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। हमने बाहर जो है पी पॉइंट लिया, और क्या किया हमने, मार्क सेंटर पॉइंट एस ओ। इसके बाद हमने क्या किया, जॉइन पी एंड ओ। इसके बाद की कहानी बताऊं या अंडरस्टूड? इसके बाद की कहानी तो बिल्कुल सेम, पीछे जाओ आप देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, जॉइन पी ओ। ज्वाइन करने के बाद हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, एम पॉइंट लिया, एम पॉइंट पे कंपास रख के पी या ओ तक खोला और एक नया सर्कल तैयार कर दिया। इस नए सर्कल ने पुराने वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट किया, ये दोनों पॉइंट्स को हमने मार्क किया ए एंड बी। फिर हमने क्या किया, पी को ए से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, पी को बी से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और पी ए एंड पी बी हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब ये पी ए एंड पी बी हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स क्यों, जस्टिफिकेशन तो चाहिए। जस्टिफिकेशन फिर से वही सेम, हमें क्या करना होगा, तो कंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन में ए पॉइंट को ज्वाइन करना है सेंटर पॉइंट ओ से, और बी पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करना है सेंटर पॉइंट ओ से। जो ये हमारा ब्लू वाला सर्कल है उसमें जो पी ओ लाइन है वो डायमीटर है, मतलब सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बाउंड्री पे मतलब ए पॉइंट पे बनाएगा 90 डिग्री, बी पॉइंट पे भी बनाएगा 90 डिग्री, और ये जो लाइन है पी ए ये टेंजेंट हो जाएगी रेडियस पे परपेंडिकुलर। और अगर बात करें पी बी, ये भी रेडियस पे परपेंडिकुलर। तो मतलब क्या, मतलब हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब डेफिनेटली पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स हैं। तो इस तरह से हमारी जस्टिफिकेशन यहाँ पर हो जाती है खत्म। आप तो कॉपी कर ही सकते हैं, जैसा पहले डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन पे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट भी कर लिया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लिए और साथ के साथ जस्टिफिकेशन भी दे दी। लेकिन एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब ये जो टेंजेंट्स हमें मिली हैं पी ए एंड पी बी, इसको तो आप मेजर करोगे ही अपने स्केल के साथ, लेकिन चेक करना है कैलकुलेशंस लगा के कि पी ए और पी बी जो हमें स्केल से मिल रही हैं वो करेक्ट है या नहीं है।
कैसे करेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने किया था ना, वहां पे हमने फाइंड की थी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स 8 सेंटीमीटर, कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो करना क्या है, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल अगर मैं शो करूं ग्रीन कलर से, पी ए ओ दिख रही है बच्चा पार्टी, ये ट्राइंगल, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? डेफिनेटली, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। सिमिलरली नीचे भी पी बी ओ ये वाली ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। और चाहे पी ए हो चाहे बी पी बी हो, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ तो इक्वल है बाय थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल दे आर ऑलवेज इक्वल, उनकी लेंथ जो है हमेशा इक्वल होगी। तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बताओ बच्चा पार्टी, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट में पी ओ हाइपोटेन्यूज होगा, और पी ओ जो है हमारे बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, 6 स्क्वायर माइनस, और हमें क्या करना है, ये हमारा पॉइंट ए था, हमें माइनस करना है ओ ए। ओ ए क्या है, हमारे अंदर वाले सर्कल की रेडियस, मतलब 4 स्क्वायर। तो क्या होगा, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 स्क्वायर 16 एंड स्क्वायर रूट, तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट में 20। इसको और ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 5 एन स्क्वायर रूट, तो 2 × 2 बाहर 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या आपको रूट 5 की वैल्यू मालूम है? 2 × 2.236 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 and 1 = 7, 2 × 2 = 4.4, 4.472 सेंटीमीटर। क्या आपने चेक किया मेजर करके स्केल से, क्या इतनी ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 4.47? मतलब स्केल में कहीं 4.5 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी, तो आई है तो मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन जो है एक्यूरेट है। कैलकुलेशन तो यही वैल्यू दे रही है, तो ऑब्वियसली स्केल भी यही वैल्यू देना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक तो बनता है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस जो टेंजेंट के हैं हम पढ़ेंगे कल, लेकिन आपको करना है इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो प्रैक्टिस और ज्यादा चाहिए, और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए एकदम बढ़िया वाली, हैंड्स ऑन आप करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स का फुल यूज वहां पर आप करेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बेटर होगी। अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपकी पेंसिल प्रॉपरली शार्प होनी चाहिए, कंपास एकदम से टाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो कंपास का पिन पॉइंट का लेवल है और जो पेंसिल का लेवल है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल है। आप डेस्क पे रखकर उसका लेवल चेक करके फिर अपना कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और जब भी कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी ना, आपका ज्योमेट्री बॉक्स पहले से ही रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से वही बोलूंगी, अपना महामंत्र, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और लास्ट में मेरा वही प्यारा सा क्यूट सा गुड बाय बाय।